नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज सोशल वेलफेयर रिसर्च ग्रुप स्वर्ग संस्था भरतपुर के द्वारा राशन किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक मोदी व विशिष्ट अतिथि लोकेंद्र सैनी उपस्थित रहे। अशोक मोदी ने कहा कि सोशल वेलफेयर रिसर्च ग्रुप स्वर्ग संस्था भरतपुर पिछले कई वर्षों से समाज सेवी कार्य करती आ रही है और वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण जो परिवार पालन पोषण के लिए जूझ रहे हैं उनके लिए स्वर्ग संस्था द्वारा किया जा रहा राशन वितरण का कार्य बहुत सराहनीय कार्य है। बलवीर सिंह प्रबंधक स्वर्ग संस्था भरतपुर ने बताया कि संस्था कई वर्षों से असहाय परिवारों के लिए इस तरह की समाज सेवी गतिविधियों करती आ रही हैं और कोरोना महामारी को रोकने के लिए व लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरण का भी कार्य कर रही है तथा सरकारी व गैर सरकारी विभागों बैंकों और सार्वजनिक स्थान को सैनिटाइज कराने का भी कार्य कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा 35 परिवारों को राशन किट वितरण कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में भामाशाह अशोक मोदी लोकेंद्र सैनी का पूर्ण सहयोग मिला। संस्था इन भामाशाहों का आभार व्यक्त करती है। आज के इस कार्यक्रम में बलबीर सिंह प्रबंधक स्वर्ग संस्था प्रवेंद्र सिंह चौधरी प्रबंधक शहरी आजीविका केंद्र भरतपुर पूजा कुमारी महिला कोऑर्डिनेटर और 35 महिलाएं उपस्थित रही। कोरोना काल ने लोगों को जोर कर दिया इस बीमारी से। एक तो ऊपर से ये बीमारी एक बेरोजगारी ऊपर से कुछ लोगों को पड़ी। आज जो लोग वास्तव में ही जरूरतमंद परिवार आए उनके लिए किट वितरण की है। जो किट वितरण की हमने मुख्य अतिथि हमने अशोक मोदी जी को बुला के यहाँ पे किट वितरण की और सबको यही बताया कि आप भूखे ना सोएं क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हर जगह जगह हमारी काम कर रही है। कहीं जाके मास्क वितरण कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो मैं सभी बंदों से यही कहूँगा कि हम एक दूसरे मिलकर सहयोग करेंगे, हम कभी इस कोरोना को हरा पाएंगे। आज हमने जो किट वितरण की है हम हर 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ऐसे किट वितरण करते रहेंगे क्योंकि आदमी एक तो बीमारी से बड़ा परेशान है, ऊपर से कुछ लोग वास्तव में बहुत परेशान है और हमने उनको कोरोना ये लाइन दी गई वालों के लिए पालना करने के लिए बोला है कि आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क लगाते रहें। जय हिंद, जय भारत।